एमसीडी में बदलाव नजर आया, अब आया है ना, जो उन्होंने काम किया, सफाई किया है, पत्थर लगवाया, ये सब किया, कुछ बदलाव नजर आया। बेहतर हुई है चीजें या खराब हुई है पहले से? बेहतर तो हुई है, काफी चीजें बेहतर हुई है, ऐसी बात है। दिल्ली काफी साफ सफाई में भी और स्कूलों के उस पर भी, स्तर पर भी काफी सुधार उसमें है। ये जो 15 साल बीजेपी थी वो बेहतर था कि ये जो अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी है ये बेहतर है? ये बेहतर है। अच्छा, ये बेहतर है। किस लिहाज से बेहतर? ये सब चीज में बेहतर है भाई, सब चीज में, साफ सफाई सारा कुछ में बेहतर है ये। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में G20 सफलतापूर्वक खत्म हो गया है। G20 को लेकर सरकार, केंद्र सरकार, MCD, PWD यानी कि दिल्ली सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं और केंद्र के जो डिपार्टमेंट हैं सब लगे हुए थे। दिल्ली 15 से 20 दिन में MCD, PWD की वजह से पलट गई थी। दिल्ली की सफाई और सीरत और सूरत सब कुछ बदल गया था। इसी सफाई, सीरत और सूरत को अब बरकरार रखने की चुनौती दिल्ली सरकार के पास है, यानी कि दिल्ली सरकार के साथ साथ MCD में बैठी आम आदमी पार्टी के पास भी है। इसी को लेकर MCD ने एक 9 सूत्रीय ढांचा तैयार किया है और अब गंदगी फैलाने वालों पर भी MCD नकेल कसने वाली है। इस फैसले को किस तरीके से देखती है दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो MCD में आम आदमी पार्टी जब से आई है, 6 महीने का जो कार्यकाल ये हुआ है, उसके बाद से क्या कुछ हालात बदले हैं। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, ये बताइए, जिस तरीके से G20 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, उसमें आपने देखा होगा कि दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की फुटपाथ्स, दिल्ली के में हरियाली जो है उस पर काम किया गया, सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन अब एक चुनौती सरकार के पास ये है कि अब इसको मेंटेन कैसे किया जाए। इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी में, MCD में जो आम आदमी का पार्टी की सत्ता है, वो ये कह रही है कि अब जो गंदगी फैलाने वाले हैं उन पर नकेल कसी जाएगी, कहीं ना कहीं जुर्माना वगैरह होने चाहिए जो गंदगी फैलाते हैं, और थोड़ी स्ट्रिक्ट हो पब्लिक, यहाँ पे गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो तो पब्लिक भी थोड़ा अपना ध्यान रखेगी गंदगी फैलाने से पहले। मेट्रो में नहीं फैलाता कोई, तो ऐसे सड़क पर ना फैलाए ऐसे, और खास करके वो जुर्माना वगैरह अगर थोड़ा स्ट्रिक्टली लगाए तो होगा काम, मतलब सख्ती बरतनी चाहिए। हाँ जी, करेक्ट एकदम। अच्छा, ये जिस तरीके से अब 15 साल BJP MCD में थी, अब आम आदमी पार्टी MCD में है, कुछ बदलाव नज़र आया है क्या इन 6 महीनों में? भैया MCD का तो मैं कह नहीं सकता, बाकी गवर्नमेंट जो है कोई भी आती है तो काम तो करती है पब्लिक के लिए, थोड़ा बहुत भले ही करती है, चाहे सारा ना करे पर करती जरूर है। साफ सफाई के मामले में कुछ चेंजेस आए हैं क्या? हाँ जी, पहले से बेहतर है या खराब हुई? पहले से तो बेहतर ही है। पहले से बेहतर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर महिला हैं। नमस्ते जी, क्या हाल है? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मीतू शर्मा। मीतू जी, आम आदमी पार्टी जो MCD में है उनकी तरफ से एक फैसला लिया गया है कि ये जो सौंदर्यीकरण हुआ था G20 में, अब इसको मेंटेन करने के लिए अब गंदगी फैलाने वालों पर नकेल कसेगी सरकार, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? सर ये तो ठीक है, ये पहले तो हमें ही सुधरना पड़ेगा, हम लोगों की वजह से ही गंदगी है, हम नहीं निकले तो कितना फर्क पड़ा सड़क पे, जनता नहीं निकली तो बहुत साफ हो गई थी, और अब निकला फिर वही हाल हो गया। पहले तो हमें ही खुद अपने अंदर कंट्रोल करना पड़ेगा, बाकी जुर्माने से उससे तो कौन किसको पकड़ा है, पर यह है कि पहले आप सुधरेंगे हम तभी देश साफ होगा, मतलब थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। हाँ, जैसे न्यूज पे या किसी भी उस पर दिखाया जाए कि भाई दिल्ली कितनी साफ थी, आपकी दिल्ली है, मत गंदी करो। अब ये टिकट लेके हम लोग भी ऐसी फेंक देते हैं, नहीं करना चाहिए, इसी से गंदगी। जैसे पिछले 15 साल BJP MCD में थी, उसके बाद दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को MCD दे दी, 6 महीने का कार्यकाल से ऊपर हो चुका है, कुछ बदलाव नजर आया, बेहतर हुई है चीजें या खराब हुई है पहले से? बेहतर तो हुई है, काफी चीजें बेहतर हुई है, ऐसी बात है। दिल्ली काफी साफ सफाई में भी और स्कूलों के उस पर भी, स्तर पर भी काफी सुधार उसमें है। साफ सफाई मतलब पहले से बेहतर हुई है? पहले से बेहतर है, फुटपाथ वगैरह क्लीनिंग होती है, सड़कें बढ़ गई ठीक हुई है, और अब ज्यादा हुए G20 की वजह से। अच्छा, या तो ये समझो कि दूसरों को दिखाना था, गंदगी तो थी, ठीक है, बहुत ही गंदगी थी, और या दिखाने के लिए या किसी ने कैसे भी करा, अभी साफ हुआ, इतना नहीं था पैसे पहले, ठीक है। अब चुनौती है कि इसको मेंटेन किया जाए, अब इसको मेंटेन किया जाए, हम भी ये चाहते हैं कि दिल्ली जैसी है ऐसी रहे, ऐसी रहे। हाँ। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप दिल्ली से हैं? MCD ने अभी एक फैसला लिया है, उन्होंने 9 सूत्रीय एक ढांचा बनाया है, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि भाई अब जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? फैसला तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर गंदगी होगी तो आपको भी पता है कि बीमारी भी बढ़ेगी, सब कुछ है,
और बाकी अभी दिखाने के लिए दिखाते हैं कि दिल्ली बड़ी सुंदर है, असल में तो आपको भी पता है जो सच्चाई है। तो मैं चीज़ ये, अगर लोग भागोगे जब तक लठ नहीं पड़ेंगे, जब तक करड़ाहट नहीं आएगी, तब तक कोई सुधरने वाला। शक्ति जरूरी है, शक्ति बहुत जरूरी है। 6 महीने हो गए हैं आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की सत्ता आते हुए, हाँ जी, क्या बदलाव हुआ है या चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं या ख़राब हुई हैं? देखो मैं लोकल दिल्ली यहाँ तो रहता नहीं, मैं जहाँ जिस लोकल एरिया में रहता हूँ, मेरा देहात का एरिया है, तो उसके मुकाबले तो यहाँ मेरे को बहुत ही बिल्कुल ही अजीब सा लगता, ना तो एनवायरमेंट अच्छा है ना कुछ, मेरा देहात का एरिया इससे कई गुना बढ़िया है। कई गुना बढ़िया है, मतलब अभी भी काम करने की ज़रूरत है? देखो काम करने की जरूरत तो वैसे है तो सही, जैसे कि यहाँ इतना गंदगी मची पड़ी है, ये गुटके पान खाना वालों के अगर इनके लठ पड़े एक भी नहीं थुकेगा। इसी को लेकर MCD जो है अब नकेल कसने की तैयारी कर रही है, अब ऐसे लोगों को या तो जुर्माना लगाया जाएगा या फिर कुछ और भी प्रावधान इस तरीके के किए गए। जुर्म देख के कि अगर जिसको लगता है कि जो जुर्माने से सुधर सके उसको जुर्माना, और जिसको जरूरत लगे कि ये ऐसे नहीं मानने को उसको लिए लठ फेर। ठीक है, चलिए चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अब MCD ने ये फैसला लिया है कि जो गंदगी फैलाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? अगर सर ये ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो गंदगी फैलाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी दिल्ली स्वस्थ और साफ वर्ष में रहेगी। दिल्ली से हो? अच्छा ये बताओ ये जो MCD है ये कैसा काम कर रही है? सही काम कर रही है, ठीक ठाक। ठीक काम कर रही है? ठीक ठाक काम। साफ सफाई ठीक है? साफ सफाई ठीक है। 6 महीने हुए हैं अभी आम आदमी पार्टी को MCD में आए हुए, उससे पहले BJP थी 15 साल MCD में, वो बेहतर थे कि ये बेहतर है? ये बेहतर, उस टाइम कूड़ा उठता नहीं था गली में से और ना नाली साफ होती थी। अब उठता है? अब उठता है कूड़ा, नाली साफ हो जाती है। कहाँ रहते हैं आप? मैं संगम बिहार रहता हूँ, यहाँ आया हूँ। साफ सफाई ठीक? हाँ, वहाँ सफाई साफ ठीक है। अच्छा दिल्ली सरकार और यूँ कहें कि MCD में आम आदमी पार्टी है, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हमने 9 सूत्री एक ढांचा लेके आए हैं और अब जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं दिल्ली में उन पर नकेल कसी जाएगी, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले? सही है फैसला, सही है। सही है, जुर्माना लगना चाहिए? हाँ, जुर्माना लगना चाहिए। गंदगी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए? अब नहीं, गंदगी दिक्कत, देश की राजधानी है तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए लोगों को भी। सरकार की तो अपनी जिम्मेवारी है, लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है, जो उनको समझनी पड़ेगी। जुर्माना हो तभी पब्लिक समझेगी, वरना नहीं समझेगी कुछ। MCD में 6 महीने हो गए आम आदमी पार्टी को, क्या पहले से बेहतर हुई है चीज़ें या यूँ कहें कि खराब हो गई हैं? MCD में बदलाव नज़र आया, अब आया है ना, जो उन्होंने काम किया, सफाई किया है, पत्थर लगवाया, ये सब किया, बदलाव आया है MCD के अब, लेकिन पहले नहीं था ऐसे। अच्छा अभी एक चीज़ और सामने आई है कि जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं MCD अब उन पर नकेल कसने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? नहीं वो तो कसेंगे कि जब ही तो बात बनेगी, जब ही बात बनेगी, जब वो नकेल कसी जाएगी ना, और तभी जाके साफ सफाई होगी। कहीं ना कहीं सरकार और MCD के साथ साथ जो लोग हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, डस्टबिन में डालना चाहिए कचरा। जैसे आमतौर पर देखा जाता है सुबह के टाइम जैसे कोई निकल रहा है सड़क पे ही अपना कचरा फेंक के चले गए। हाँ वो ये पॉर्च एरिया में नहीं है, उधर है अपना, ये जैसे संगम बिहार हुआ, देवली हुआ, खानपुर हुआ, इन एरियों में है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है? लोग मतलब कूड़ेदान में क्यों नहीं फेंकते, सड़कों पर फेंक के चले जाते हैं? पढ़े लिखे नहीं है, गंवार हैं। अच्छा हाँ, पढ़े उनको जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के करते हैं। तो चालक हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या नाम है आपका? कन्नन। कन्नन जी ये बताइए कि MCD अब ये कह रही है कि जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं इनके खिलाफ अब नकेल कसी जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा जो ऐसा काम करेगा। बिल्कुल लगना चाहिए, सब दिल्ली तो साफ रखना चाहिए, इतनी मेहनत करके सबने साफ सफाई की है तो उसको साफ ही रखना चाहिए सर। बिल्कुल अच्छी बात है, जो गंदगी फैलाया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है जैसे रोड पर लोग चलते हैं, चलते हुए फेंक देते हैं, गाड़ी से लोग कचरा फेंक देते हैं, चलते चलते घर का कूड़ा भी सड़क पर फेंक देते हैं, इस तरीके की चीज़ें रुकनी चाहिए। बिल्कुल रुकनी चाहिए सर, क्योंकि अब इतनी मेहनत करके लोगों ने साफ सफाई कंटिन्यू उसको रखना चाहिए, तब तो अच्छी बात है सर। ये जो G20 में साफ सफाई हुई दिल्ली की सड़कों पर, आप घूमते हैं सवारियों को लेकर, आपने देखा होगा सड़कें भी साफ़ हो गई, डिवाइडर भी साफ़ हो गए, हरियाली लगा दी गई, फुटपाथ बना दिए गए, अब इसको मेंटेन करने की चुनौती है सरकार के पास। अब सरकार ये कह रही है कि जो भाई गंदगी फैलाएगा अब तो अब नकेल कसेंगे उसके ऊपर, MCD जो कह रही है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? सही है जी, उचित है, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सख्ती जरूरी है? हाँ जी हाँ, सख्ती नहीं होगी तो सब करते रहेंगे, पेनल्टी नहीं लगेगी, नहीं तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा,
फर्क नहीं पड़ेगा, कैजुअली लेंगे चीजें, गंदगी मचाएंगे ऐसे ही, हाँ शहर फिर गंदा हो जाएगा। अगर सख्ती नहीं होगी तो फिर कैसे, फिर तो वैसे ही हो जाएगा फिर दोबारा। ठीक है। अच्छा, ये जो आम आदमी पार्टी, अब 6 महीने हो गए हैं इसको MCD में, पहले से चीज़ें बेहतर हुई हैं क्या? पहले से बेहतर हुई है, साफ सफाई हो रही है? हो रही है जी, हो रही है। पहले BJP थी 15 साल, उसके टाइम पे ठीक थी चीज़ें या अब थोड़ी सी बेहतर हुई है? अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है जी। ये बताइए, दिल्ली तो साफ सुथरी हो गई थी G20 में? बहुत अच्छा है एकदम, बहुत बहुत अच्छा हो गया है। तो इतना तो विदेश में वो जाते हैं न प्रधानमंत्री देख के आते हैं, उतना सिस्टम इतना यहाँ पर कर दिया। अच्छा, जब MCD कह रही है अब जो गंदगी फैलाएगा ना, अब नकेल कसी जाएगी। अच्छा, तो उसको आप दिलवाना हो गए और क्या करेंगे, जो गंदा और ठीक है, सख्ती होनी चाहिए और होना चाहिए ना। देखते हैं अब कितना, फोटो खींच के देखिए कितना साफ सुथरा है, अब बहुत अच्छा हो गया बहुत। कितने साल से दिल्ली में हो? हम लोग तो 30 साल से है, लेकिन हम लोग 20 साल से ऑटो चलाता हूँ। तो 30 साल से हैं, तो पहले 15 साल BJP भी रही MCD में, अब आम आदमी पार्टी है MCD में, पहले चीजें बेहतर थी या अब चीजें? ये तो सुंदर है ना बुझार, सारो बुझार एकदम पूरा, अब कंजर इलाके में जाओ, कहीं आसपास दिल्ली के अगल बगल में जाओ, अब वहाँ पर साफ सुथरा है, वहाँ पर बुझार है, साउते है, साफ सुथरा सब जाना सही सही है, सब काम कर रही है MCD? बहुत MCD बढ़िया काम कर रही है, केजरीवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए कुछ और ऑटो चालक हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शहर में घूमता है ऑटो चालक, सवारियों को लेकर पूरे शहर में घूमता है, बातें भी करते हैं सवारियों से। MCD अब ये कह रही है कि अब हम गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नकेल कसेंगे, कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? तो गंदगी अगर कार्रवाई किया जाता है तो सही है इसमें, क्यों तो गंदगी कहीं फैलाना नहीं चाहिए, साफ सुथरा रहता है, सही रहता है। ठीक है, लोगों को भी मतलब सुधार, लोगों के भी सुधारने का एक सही है तरीका, ये सरकार ठीक काम कर रही है, सही कर रही है। MCD वाले सही कर रहे हैं, साफ सुथरा रहेगा तो लोगों का ही गंदगी से बीमारी हर चीज नहीं फैलेगा। ठीक ठीक। अब तो जैसे 6 महीने हो गए हैं आम आदमी पार्टी को MCD में, चीज़ें बेहतर हुई हैं क्या पहले से? पहले से साफ सुथरा सही है, सही है। क्या नाम है मित्र? परशुराम। परशुराम जी, ये बताइए, दिल्ली में जिस तरीके की साफ सफाई इन दिनों में हुई G20 के बाद, इस दौरान अब सरकार के पास ये चुनौती है कि इसको बरकरार कैसे रखा जाए, तो MCD ने अब ये कहा है कि जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? तो कार्रवाई तो की जाए, गंदगी तो लोग करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, गंदगी। हाँ जी, ये बताइए कि MCD ने ये बोला है कि अब जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं ना उन पर नकेल कसी जाएगी, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? तो सरकार ही करेगा, जो भी करेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, ऐसा करना चाहिए क्या, सख्ती बरतनी चाहिए जो गंदगी फैलाते हैं लोग, यहाँ तक कूड़ा फेंक देते हैं? सख्ती बरतनी चाहिए बिल्कुल, पहले से बहुत गंदगी था, अब तो सफाई भी हुई थोड़ी बहुत, ये सफाई? हाँ जी हाँ जी, अब तो बहुत सफाई हो गया, पहले तो बहुत गंदगी थी, बहुत ज्यादा। ये 6 महीने से MCD में आम आदमी पार्टी आई है, बदलाव है कुछ या यूं कहें कि पहले से बेकार है? बहुत बदलाव है भाई साहब, बहुत बदलाव है, बदलाव है। हाँ जी, दिल्ली बहुत बदलाव है इस टाइम। ठीक है, तो ये जो 15 साल BJP थी वो बेहतर था कि ये जो अब MCD में आम आदमी पार्टी है ये बेहतर है? ये बेहतर है। अच्छा, ये बेहतर है, किस लिहाज से बेहतर है? ये सब चीज में बेहतर है भाई, सब चीज में, साफ सफाई सारा कुछ में बेहतर है ये, पहले नहीं करते थे? पहले कहाँ होता था, पहले सड़क पर पानी भरे रहते थे सारे जगह, अब नहीं भरता, अब कहाँ भरता, अब तो खुला हो जाता है, रोड सारा बन गया, सारा कुछ हो गया। ये तमाम ऑटो चालक थे और दिल्ली के लोग थे, बसों में सवार सफ़र करने वाले लोग थे, जिनसे हमने जाना कि आखिर ये जो साफ सफाई दिल्ली में हुई थी G20 के दौरान और उसके बाद से जो अब चुनौती है दिल्ली को उस साफ सफाई को बरकरार रखने की, उसको लेकर MCD ने ये कहा है कि अब जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और नकेल कसी जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।